Nirgaman Adhyay 33. Nirgaman Adhyay 33. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने इब्राहिम इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी एमोरी हित्ती परिज्जी हिव्वी यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालू। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इसराइली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर बरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से न निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक
मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढापे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा।